हेलो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग 2023 का जो जैक बोर्ड कमर्शियल अर्थमेटिक या सीए का मॉडल क्वेश्चन जारी किया था, इसको हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर कोई उस वीडियो को देखना चाह रहा हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से वो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक और मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, कमर्शियल अर्थमेटिक या सीए का ही, जिसको हम लोग सीए का पेपर बोलते हैं। ये जो मॉडल क्वेश्चन है ये 2019 का फर्स्ट सेट है। जैसा कि हम लोगों को पता है 2019 में टोटल 3 सेट जारी हुआ था, जिसका फर्स्ट सेट जो था सीए का पेपर का, उसको आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस 2019 वाला सेट में टोटल 50 क्वेश्चन था, लेकिन हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है, हमारा जो अभी एग्जाम होगा ये 40 क्वेश्चन ही होगा, 40 मार्क्स का ही होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला गया है, एक नंबर हम लोग के पास दिया हुआ है, इसको बोल रहा है दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध लिखें। डेसिमल के बाद 2 अंक तक हम लोग को लिखना है, तो डेसिमल के 2 अंक के बाद यहाँ पर। अब हम लोग को ये पता है कि जो अंक हमारा छूट रहा है, जो अंक हम लोग छोड़ रहे हैं, उसका फर्स्ट डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा रहता है तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाता है। मतलब हमारा जो ये फाइनल अमाउंट, फाइनल इसका फिगर होगा, इसको हम लोग अप्रोक्स में 65.31 राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ये सी हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें बोल रहा है एक नंबर हम लोग को दिया हुआ है, जिसको बोल रहा है, एक नीचे नंबर दिया हुआ है 93.567, 93.567, एक ये नंबर दिया हुआ है जिसको हम लोग को 2 सार्थक अंकों के सन्निकट व्यक्त करता है। 2 सार्थक अंक मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग को लिखना है। देखना यहाँ पे, ध्यान से एक चीज समझना, यहाँ पे बोल रहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये चीज नहीं लिखा है कि दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक, यहाँ पे बोला है 2 सार्थक अंक। सार्थक अंक मतलब हम लोग समझते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब हम लोग ये समझते हैं 1 से लेकर 9 तक के बीच का नंबर, 1 से 9 तक के बीच का अगर जो नंबर होता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग बोलते हैं। 0 को भी सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है, कब, अगर 0 के बोथ साइड कोई नंबर हो, लेफ्ट में भी राइट में भी। यहाँ पर अगर हम लोग को डेसिमल 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट करना है, इसका मतलब 9 और यहाँ पे 1 डेसिमल हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे जो हमारा अंक छूट जाएगा ये इतना छूटने वाला है, डेसिमल के बाद पूरा छूट जाएगा। 2 सिग्निफिकेंट अंक तो यही हो गया, ठीक है। तो जो हमारा अंक छूट रहा है डेसिमल के बाद वो 5 है, तो यहाँ पे हमारा 1 ऐड हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग अप्रोक्स में 94 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा बी। यहाँ पे बोला था 2 सार्थक अंकों के सन्निकट, ये चीज हम लोग को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, इसमें पूछ रहा है कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, कितना सिग्निफिकेंट डिजिट इस नंबर में है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब क्या, जो 1 से 9 तक के बीच का नंबर होता है, मतलब 1, 2, 3, 4, उसके बाद हम लोग अभी ये भी चीज समझे थे कि अगर 0 रहा तो भी उसको सिग्निफिकेंट डिजिट माना जाएगा, कब, अगर उसके बोथ साइड में कोई नंबर है। तो ये दोनों भी हमारा सिग्निफिकेंट नंबर के डिफिनेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो है हमारा 6 डिजिट हो जा रहा है, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट या 6 सिग्निफिकेंट फिगर जो है इस वैल्यू में, इस नंबर में है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर जो होगा थर्ड का, ये हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4, 5 और 6, 4, 5, 6 और एक हमारा है 7, ये जो है, ये चारों क्वेश्चन को हम भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें बस गुना भागा करना है, इसका हम आंसर बस टिक लगा के बता दे रहे हैं। फोर्थ नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 91, 19.1। जो हमारा 5 नंबर है इसका 1 हो जाएगा, 6 का करेक्ट आंसर 1 है और 7 का जो करेक्ट आंसर है ये बी है। इसमें कुछ करना नहीं, बस गुना भागा करके सॉल्व कर लेना। हम उसको यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा, जो मेन चीज सीखने वाला है वो चीज हम लोग सीखेंगे, जहाँ पे लॉजिक होता है, कंसेप्ट होता है, उसमें गुना भाग है वो आराम से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, राम और श्याम किसी फर्म में साझेदार है, उनका पूंजी जो है 2 लाख और 6 लाख है, तो पूंजी का अनुपात क्या होगा, कैपिटल का रेशियो पूछ रहा है। राम श्याम फर्म है पार्टनर में, कैपिटल उसका 2 लाख और 6 लाख है, तो रेशियो कितना हो, तो 2 लाख और 6 लाख का रेशियो 1:3। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है, इसमें से कौन सा रेशियो जो है ये 3:2 के
इक्विवेलेंट है। तो जब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे डी नंबर, बाकी सबको अगर हम लोग कट करेंगे 133 डिवाइडेड बाय 122 इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा केवल जो डी नंबर वाला है 168 डिवाइडेड बाय 112, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3:2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर जो हमारा है ये अल्टीमेटली डी होगा। दूसरा चीज, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देख के भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं अगर किसी का गुना भागा में थोड़ा ठीक ठाक से दिमाग काम करता होगा। जैसे ये देख के ही लग रहा है कि ये 3 गुना और ये 2 गुना है ही नहीं, ठीक है। 3 गुना 2 गुना कहने का मतलब हो गया 18 और 12, ये 3:2 का रेशियो में देख के लगना चाहिए कि इसका ये 1.5 टाइम्स हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देख के ये नंबर लग रहा था, ये सब नंबर कोई भी 3:2 के जैसा दिख नहीं रहा है। अगर किसी को दिक्कत है तो सॉल्व करके अपना देख सकता है। अब हम लोग बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को सबसे पहले हम लोग पढ़ के समझते हैं इसमें बोल क्या रहा है, एक चीज उसके बाद ये और बता दें कि अब जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना, ये हमारा 11th के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, इसके अलावे जब हम लोग आगे जाके किसी कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो वहां पर भी यही सब लॉजिक काम आता है, इसी टाइप का वहां पे क्वेश्चन रहता है। अगर हम लोग को कंसेप्ट पता रहा ना, तो ये सब कंसेप्ट को अगर अच्छे से सीखते हैं तो फ्यूचर में भी हम लोग को बहुत फायदा होगा, ठीक है। इसलिए ये सब चीज को ध्यान से सीखना। सबसे पहला यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 संख्या हमारा जो 3:5 के रेशियो में है, 2 नंबर है जिसका रेशियो कितना है 3:5, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, 5:7 हो जाता है, वो नंबर क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो 2 नंबर दिया हुआ उसका रेशियो भी कितना है 3:5, तो हम लोग एक नंबर मान लेंगे 3x और दूसरा 5x। अब क्या बोल रहा है कि अगर दोनों में से हम 10-10 जोड़ देते हैं, मतलब 3x 2 10, 3x में 10 ऐड कर दिए और दूसरा नंबर 5x प्लस 10 कर दिए, इसमें भी 10 ऐड कर दिए दोनों नंबर में, तो अब इसका रेशियो मतलब ये इसको अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 5:7 आएगा। हमसे पूछ रहा है नंबर, इसी को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे फिर पुटअप कर देंगे, ठीक है। जो चीज ये तो हम लोग 10th में भी पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा चीज इसमें है ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25x, ठीक है, या तो 27 जैसे सॉल्व करना है, 25 इधर हो गया प्लस 10 25 50, इधर हो जाएगा 27x प्लस 70, ठीक है, 5 50, ठीक है। अब 25x है उधर, 21x है इधर, लाएंगे तो ये हो जाएगा 4x, 50 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 20, एक्स का वैल्यू हमारा अल्टीमेटली आ जाएगा 4 5 20, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है, एक्स का वैल्यू 5 आएगा। अगर किसी को थोड़ा दिक्कत लगे तो आराम से सॉल्व कर लेना, कोई अगर बताने का जरूरत नहीं, क्योंकि सॉल्व तुमको करना है, हमको नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम में तुमको बनाना है, तो अपने हिसाब से देखना। अब एक्स का वैल्यू 5 आ गया, तो पहला नंबर हमारा क्या था 3x, मतलब 3:5 15 ये नंबर होगा, और दूसरा होगा 5x, मतलब 5:5 25 25, तो दोनों नंबर हमारा क्या हो गया 15 और 25, 15 और 25 ए नंबर में दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, आराम से इसको बना लेना, ठीक है। उसके बाद क्योंकि सीखना तुम सीखना जो स्टूडेंट है उसी को है, हमको नहीं सीखना है, हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है ये बोल रहा है, 3 दुकानों का मासिक किराया सतत समानुपात में है, यदि पहली दुकान का किराया 400 रुपया और दूसरी दुकान का किराया 200 है, तो तीसरी दुकान का किराया क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज समझना, सतत समानुपात जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि एक नंबर का, एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू के साथ जो रेशियो है, वही रेशियो सेकेंड वैल्यू का थर्ड वैल्यू के साथ। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे फर्स्ट घर का रेंट का जो वैल्यू होगा सेकेंड घर सेकेंड रूम के रेंट के साथ, वही रेशियो सेकेंड रूम का और थर्ड रूम का, थर्ड रूम के रेंट का होगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, पहला दुकान का किराया कितना था 400, दूसरा दुकान का 200, तो पहला और दूसरा का रेशियो हो गया 400 डिवाइडेड बाय 200। अब दूसरा सतत अनुपात में है अगर, तो इसका मतलब ये हो गया दूसरा और तीसरा का जो रेशियो होगा ये सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 200 × 200 डिवाइडेड बाय 400, ये 2020 कट गया, 2 × 2 = 4, यहाँ पे 100, मतलब x का वैल्यू 100 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा थर्ड दुकान है उसका किराया कितना होगा 100 रुपये। अब समझना, देखो सतत अनुपात में क्या होगा, 400
डिवाइडेड बाय 200 कितना आएगा, 2:1। अब 200 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा, 2:1। मतलब फर्स्ट नंबर का दूसरे नंबर के साथ जो रेशियो है वही रेशियो दूसरे नंबर का तीसरे नंबर के साथ है। तो इस टाइप का जो रेशियो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इस टाइप का जो समानुपात होता है इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को एकदम अच्छे से सीखना, ये बहुत इसमें जो हम लोग कंसेप्ट जिस कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे अगर ये कंसेप्ट जहां पे लगा और ये कंसेप्ट अगर समझ गया तो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 20 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर लेता है, 20 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर लेता है, तो 10 दिनों में कितने आदमी उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, समझना। इस टाइप का क्वेश्चन जहां इस टाइप का रेशियो वाला क्वेश्चन रहा, समानुपात वाला प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन रहा, यहां इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मेन और दूसरे साइड लिख लेते हैं डेज। अगर 20 आदमी है तो कितना दिन लग रहा है काम को पूरा करने में, 25 दिन। तो 10 दिनों में कितने आदमी उस कार्य को पूरा कर पाएंगे, मतलब अगर 10 आदमी है तो कितना आदमी 10 दिन में अगर काम करना है तो कितना आदमी चाहिए, यही चीज ये पूछ रहा था। एक बार फिर से समझना, 20 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 20 आदमी था, मेन में 20 था तो डेज लग रहा था 25। तो 10 दिनों में कितने आदमी उस काम को पूरा कर लेंगे, मतलब अगर डेज हमारा 10 होगा तो मेन कितना चाहिए, ठीक है, उस काम को पूरा करने के लिए। इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे 20 का 20 हो गया, 20 कहने का मतलब क्या, जहां पे जिसमें वाट लगा हुआ रहेगा, जिस कॉलम में वाट लगा हुआ रहेगा उसका वैल्यू पहले 20 का 20 लिख देना गुना। अब यहां से कंपेयर करना, 25 दिन लगा जब काम करने में, 25 दिन जब काम करने में लगा तो 20 आदमी, 10 ही दिन अगर लगाना है तो कम आदमी लगेगा या ज्यादा आदमी, समझना। 25 दिन जब लगा काम को खत्म करने में तो 20 आदमी चाहिए था, 10 ही दिन में खत्म करना है तो ज्यादा आदमी चाहिए, 25 दिन में खत्म कर रहे थे तो 20 आदमी चाहिए था, 10 ही दिन में खत्म करना है तो ज्यादा आदमी चाहिए। अब जब ज्यादा आदमी चाहिए, ज्यादा में आंसर है तो ज्यादा वाला वैल्यू ऊपर, कम वाला वैल्यू नीचे, एकदम सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। ज्यादा चाहे ज्यादा जब इसका आएगा आंसर, जब यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर आएगा ज्यादा, ठीक है, जैसे 25 दिन में 20 आदमी, 25 दिन में खत्म करने के लिए 20 आदमी, तो 10 दिन में खत्म करने के लिए कितना, तो ज्यादा आंसर आ रहा है तो ज्यादा वाला वैल्यू ऊपर, कम वाला नीचे। सॉल्व कर लेंगे, 10 × 20 25 × 50, मतलब 50 आदमी चाहिए, 50 आदमी मतलब हमारा सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो ट्रिक है बहुत अच्छा ट्रिक है और बहुत ज्यादा यूजफुल ट्रिक है, हमको पर्सनली हमको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगता है, तो इसको अच्छे से सीख लेना और ये एक्चुअल में बहुत अच्छा ट्रिक है। अब सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में बोल रहा है कि यहाँ पे x:4 और इसका समानुपात है 18:24, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, क्या करेंगे, x/4 = 18/24 सॉल्व कर लेना है। 4×6 = 24, 6×3 = 18, एक्स का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। जिसको दिक्कत हो रहा है आराम से सॉल्व करना, x बराबर लिख लेना, x/4, 18/24 था ना, हम क्या किए 4 और 24 नीचे नीचे काट दिए, जिसको दिक्कत लग रहा है वो इस तरह से अपना कर लेना, 18/24 × 4 आराम से सॉल्व करना, नीचे नीचे कटता है इसलिए अगर बराबर के बोथ साइड नीचे नीचे कट जाएगा, ठीक है, तो हम उस तरह से काट दे रहे 4×6 = 24 डायरेक्ट, ठीक है। एक्स का वैल्यू अल्टीमेटली 3 आएगा, तो 13 नंबर का हमारा जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा बी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दो अनुपातों की समानता को क्या कहते हैं, तो दो अनुपातों की समानता को हम लोग बोलते हैं समानुपात, प्रोपोर्शन, यही था। दो एक अनुपात ये, दूसरा अनुपात ये, दोनों अगर इक्वल रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं, दोनों अगर इक्वल रहा बीच में इक्वल तो इसको हम लोग बोलते हैं समानुपात, जो चीज यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। समानुपात मतलब यही होता है कि दोनों साइड जो रेशियो है दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है किसी कक्षा में 120 छात्रों में से 40 छात्र उत्तीर्ण है, टोटल क्लास में कितना स्टूडेंट है 120, जिसमें से 40 छात्र उत्तीर्ण मतलब पास है, टोटल 120 नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 है, 80 स्टूडेंट इसमें से पास हो गया। पूछ क्या रहा है, पास और फेल का रेशियो, तो पास स्टूडेंट 80 और फेल स्टूडेंट कितना 40, दोनों का रेशियो निकाल लेना है 2:1, 2:1 में हमारा ये दिख रहा है, 15 नंबर का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।
अब सॉल्व हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 में क्या बोल रहा है, 36 रुपया प्रति दर्जन की दर से 65 अंडों का मूल्य क्या होगा। एक दर्जन अंडा का दाम कितना, 36 रुपये, तो 65 अंडा का दाम कितना। व्हाट विल बी प्राइस ऑफ 65 एग्स एट द रेट 36 रुपये पर डजन। इसको भी हम लोग उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जो हमारा प्रोपोर्शन वाला मेथड होता है। नंबर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नंबर, इधर लिखते हैं अमाउंट। जब 12 अंडा तो इसका दाम 36 रुपया, एक दर्जन का 36 रुपया मतलब क्या, 12 अंडा का 36 रुपये, तो 65 अंडा का कितना, यही चीज हम लोग को निकालना। कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें वाट लगा हुआ रहेगा उसको गुना में लिख, उसको तो पहले लिख ही देना है इनटू। अब यहाँ पे देखना 12 अंडा का 36 रुपये, तो 65 अंडा का क्या ज्यादा, 65 अंडा का ज्यादा वैल्यू होगा ना, ज्यादा अमाउंट लगेगा, ठीक है। तो ज्यादा आंसर आ रहा है तो ज्यादा वाला वैल्यू ऊपर, कम वाला वैल्यू नीचे, 12 36 और फिर 65 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 5 3 15 6 3 18 1 19 मतलब 195 हमारा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। एकदम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। ज्यादा अगर आंसर आया 12 का 36 तो 65 अंडा का कितना ज्यादा होगा, तो ज्यादा वहां, ठीक है। ये चीज बस इसको इसको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 17 जो टेबल ऑफ नाइन, जिसमें 1 से 9 वस्तु का वैल्यू दिया होता है, इसको हम लोग टेबल ऑफ 9 बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का मूल्य 53 रुपया 65 पैसा तो 5750 वस्तु का मूल्य कितना होगा। ये कुछ नहीं, आराम से इसको गुना करके निकाल लेना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 18 नंबर में 18 नंबर को सॉल्व करके निकाल लेना, वैल्यू शायद इसका ये आएगा, ठीक है। एक पुस्तक की कीमत 22 रुपया 50 पैसे है, तो 100 पुस्तक की कीमत, इसको भी कुछ नहीं करना है, बस गुना ही तो करना है, ये सब में तो कुछ है ही नहीं। 20 नंबर में बोल रहा है 10 किलोग्राम प्याज का कीमत 60 रुपये, तो 25 ग्राम किलो प्याज का कीमत कितना। तो इसको उसी मेथड से सॉल्व करते हैं, केजी इधर लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं अमाउंट। कितना बोल रहा है, 10 किलोग्राम प्याज का वैल्यू 60 रुपये, तो 25 किलो का कितना, ठीक है। वाट, तो वाट इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू, देखो वही एकदम दिमाग लगाना, जिसका जो वैल्यू निकालना रहेगा, जहां पे वाट रहेगा उसमें, उससे कंपेयर करना। 10 किलो का 60 रुपया दाम, तो 25 किलो का कितना ज्यादा आएगा। 10 किलो का अगर 60 है तो 25 किलो का ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो ज्यादा वैल्यू वाला वैल्यू ऊपर, कम वाला वैल्यू नीचे, ठीक है। यहाँ पर भी यही चीज आ रहा था, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आ गया 25 6 150। जहां पे ये कम आएगा ना आंसर, उसको वहां पे एरो नीचे, हम लोग इसको इस तरह से नीचे वाला एरो बना सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सब में इसी तरह का सिचुएशन आ रहा है, इसलिए सब में ऊपर वाला एरो हम बना रहे हैं। तो 20 नंबर का हमारा जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये 150 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 21 सॉल्व करने वाले हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन, ये चेन रूल वाला है, श्रृंखला नियम वाला है, इसको क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं फिर अब बाद में देखते हैं क्या करना है। यदि 4 घोड़ों का मूल्य 6 गाय के बराबर, 4 घोड़ा इक्वल टू 6 गाय है, 3 गायों का मूल्य 20 भेड़ों के बराबर, 3 काउ इक्वल टू 20 शीप्स है, और 10 भेड़ का मूल्य जो है 16 मेमनों के बराबर, हमारा 10 शीप इक्वल टू 16 लैम्स है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, श्रृंखला नियम के द्वारा एक घोड़ा का मूल्य क्या होगा जब एक मेमना का मूल्य 17 रुपये। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहा तो सबसे पहले ये चीज दिमाग में सेट करना, वैल्यू किस चीज का निकालना है। वैल्यू निकालना है हम लोग को एक घोड़ा का, वैल्यू हम लोग को निकालना है एक घोड़ा का, किस चीज में वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है रुपया में, निकालना है घोड़ा का, निकालना है घोड़ा का वैल्यू निकालना किसमें, और निकालना किसमें, रुपया में। तो जिस चीज का वैल्यू निकालना रहा सबसे पहले उसको वहीं से स्टार्ट करना, घोड़ा का वैल्यू निकालना है ना, तो घोड़ा वाला सबसे ऊपर, 4 horse = 6 cow, ठीक है। अब काव का सर्च करेंगे, 3 गाय का 20 भेड़ों के मूल्य के बराबर है, तो 3 cow = 20 sheep, फिर 10 sheep = 16 lamb, अब एक lamb का, एक मेमना का मूल्य कितना है, 17 रुपये, 1 lamb = 17 रुपी, ठीक है। अब देखो जिस चीज का वैल्यू निकालना था उसको सबसे पहले लिखेंगे, और जिस चीज में वैल्यू निकालना रहेगा ना वो हमारा ऑटोमेटिकली सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, अगर हम सही से सॉल्व करेंगे तो। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक घोड़ा का जो यहाँ पे जिस चीज में वैल्यू निकालना है, जो सबसे पहला यहाँ पे रहेगा,
वो हो जाए हमारे यहाँ पे। इसको अब क्या करेंगे, जो ऊपर में इस साइड राइट साइड जितना है सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 6 × 20, एक तरह से इसको इधर लिखते हैं, 6 × 20 × 16 × 17 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 10 × 1, ठीक है। जो राइट साइड वाला था उसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना है, लेफ्ट साइड वाले को नीचे लिखना है। इसको सॉल्व करके हमारा जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 1 हॉर्स का वैल्यू रूपी में, ठीक है। ये सॉल्व करके हमारा 1 हॉर्स का वैल्यू आएगा रूपी में। 1 हॉर्स कहाँ से आया, जो यहाँ पे था, इसका 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा कितना, जो लास्ट में रहेगा उसमें, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इसका वैल्यू आ जाएगा, इसको इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 2 = 6, 4 × 5 = 20, फिर आ जाएगा 5 × 2 = 10, ये पूरा कट गया। अब 16 को 17 से मल्टीप्लाई करना और बाकी सब कुछ तो कट ही गया। सॉल्व करके वैल्यू आएगा 272, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट 272, ठीक है। इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें बोल रहा है $15 जो हमारा 990 रुपया के बराबर है तो कितना रुपया $40 के बराबर हो। इसको भी हम लोग कुछ उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं डॉलर एक साइड और दूसरे साइड लिख लेते हैं रुपी, ठीक है। सबसे पहले $15 जो हमारा ये 900 रुपया के बराबर, तो कितना रुपया $40 के बराबर होगा। वाट का वैल्यू निकालना, अब वाट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, वाट का वैल्यू कैसे निकलेगा, 900 × 15 डॉलर का वैल्यू 900, तो $40 का क्या होगा, कम या ज्यादा, ज्यादा होगा। $15 का अगर वैल्यू 900 रुपये है तो $40 का ज्यादा, ठीक है, ज्यादा है तो ज्यादा वाला वैल्यू ऊपर, कम वाला नीचे, ठीक है। ये भी सिचुएशन यही आ रहा है, तो 15 × 6 = 90 और 6 × 6 = 24, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी, हमारा 24 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर था 22 का करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है अदि 11 गायें 14 भैंसों के बराबर है, 35 भैंसे 15 घोड़ों के बराबर है, तो 35 गाय कितने घोड़ों के बराबर। यहां पर भी वही चीज समझना, पूछ वैल्यू किसका है, 35 गाय का वैल्यू किसका पूछ रहा है, गाय का। किस चीज में वैल्यू पूछ रहा है, तो घोड़ा, 35 गाय इक्वल टू कितना घोड़ा, ठीक है, ये चीज समझना। तो जिस चीज का वैल्यू पूछेगा उस चीज को, उस चीज वाला इक्वेशन को पहले, 21 गाय इक्वल टू 14 भैंसे है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 काउ इक्वल टू 14 बफेलो, अब 35 बफेलो इक्वल टू 15 हॉर्सेस, समझना। जिस चीज का वैल्यू निकालना था 35 गाय का, तो उस इक्वेशन को पहले लिखेंगे, और जिस चीज में वैल्यू निकालना रहेगा ना ऑटोमेटिक लास्ट में चला जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग सही से यहाँ पे सब कुछ राइट करेंगे तो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 काव इक्वल टू हो जाएगा 14 × 15 डिवाइडेड बाय 21 × 35, ठीक है, इतना हॉर्सेस, एक गाय इक्वल टू इतना हॉर्सेस आ जाएगा, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, फिर आ जाएगा ये हमारा 5 × 3 = 15, 3 × 7 = 21, ठीक है, मतलब 2 × 7 ये हमारा आ रहा है सॉल्व करने के बाद 2 × 7, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा एक गाय जो है 2 × 7 हॉर्सेस के बराबर है, लेकिन पूछ क्या रहा है, 35 गाय का वैल्यू, तो 35 गाय का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 7 × 35, ठीक है, यही तो पूछ रहा था यहाँ पे, तो 7 × 5 = 35, अब मतलब हमारा ये आ जाएगा, क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 35 गाय का वैल्यू हो जाएगा 2 / 7 × 35, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, तो 10 हॉर्स, मतलब 35 का इक्वल टू 10
हॉर्सेस, इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर जो है सो बी हो जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट से हम लोग अभी पहले सॉल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 100 रुपया बराबर 2 डॉलर और 1 डॉलर बराबर 60 टाका, तो 1000 रुपया इक्वल टू कितना टाका। सबसे पहले यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहा है वीडियो स्टॉप करो, एक बार खुद से सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद वीडियो देखना यहाँ पे कैसे हमारा सॉल्व किए। अगर खुद से बन जा रहा है तो बहुत अच्छा, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले वीडियो देखने से पहले स्टॉप करके एक बार खुद ही सॉल्व करके ट्राई कर लेना। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है 100 रुपया बराबर 2 डॉलर, 1 डॉलर बराबर 60 टाका, तो 1000 रुपया बराबर कितना टाका। तो जिस चीज का वैल्यू पूछता है उस चीज वाले इंफॉर्मेशन को हम लोग पहले लिखते हैं, 100 रुपया बराबर 2 डॉलर और 1 डॉलर बराबर 60 टाका, ठीक है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है 1000 इक्वल टू कितना टाका, तो 1 रुपया इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 रुपया इक्वल टू 2 गुना 60 डिवाइडेड बाय 100 गुना 18 टाका, ठीक है, ये टाका में आंसर आएगा। मतलब 1 रुपया बराबर हमारा हो जाएगा, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 6 × 18, तो हमारा 1 रुपया बराबर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 30 टाका। हमसे पूछ क्या रहा है, हम लोग से पूछ रहा है 1000 रुपये का वैल्यू बता दो, तो 1000 रुपये का वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 1000। ये हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे हम लिखते टाइम थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, ये हमारा डॉलर था, ये जो था डॉलर था, 1 डॉलर था, ठीक है, यहाँ पे 18 हम इसको लिख दिए, तो ये हमारा इस तरह से करेक्ट इसको कर लेना। ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1, ठीक है, एक जीरो कट गया, अब हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 10, ये हमारा हो गया 1 रुपये का वैल्यू। तो 1000 रुपये का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे 1000 कैंसिल, मतलब अल्टीमेटली हमारा 1200 आंसर यहाँ पे आ जाएगा 24 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, तो सबसे यही रिक्वेस्ट है पहले एक बार खुद सॉल्व कर लो फिर वीडियो देखना। हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर 6 आम 4 सेब के बराबर है और 6 सेब 12 संतरा के बराबर है तो 30 आम कितना संतरा के बराबर हो। तो जिस चीज का वैल्यू पूछ रहा है, 30 आम का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो जिस चीज का वैल्यू पूछता है उस इन्फॉर्मेशन वाले को हम लोग पहले लिखते हैं। मतलब 6 मैंगो इक्वल टू 4 एप्पल, फिर 6 एप्पल इक्वल टू 12 ऑरेंज, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6, ये हमारा किसका वैल्यू आएगा, 1 मैंगो का इतना ऑरेंज, ठीक है। 6 दूना 12 2 3, मतलब 1 मैंगो बराबर हो गया 4/3 ऑरेंज। पूछ कितना रहा है 30 मैंगो इक्वल टू, तो 30 मैंगो इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 30 10, मतलब यहाँ पे आंसर इसका जो करेक्ट होना चाहिए होगा डी 40, 25 नंबर का करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 150 का 3%, तो 150 का 3% निकालेंगे तो कितना देगा 4.5, ठीक है। 26 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 4.5। उसके बाद कितना का 60% 3 है, तो हम लोग मान लेंगे x का 60% 3, x का 60% 3, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी परीक्षा में 550 उम्मीदवार सफल रहे और कुल उम्मीदवारों का 45% असफल हो गए। टोटल 550 स्टूडेंट पास हुआ, ठीक है, और फेल कितना हुआ, तो 45% 45% फेल हुआ। इसका मतलब पास कितना हुआ होगा, 55% पास हुआ होगा 55%। समझना, किसी परीक्षा में 550 उम्मीदवार सफल रहे, पास जो हुआ वो 505 स्टूडेंट था, और परसेंटेज में जो फेल हुआ वो कितना था, 45%। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर जो हमारा है 550 है तो ये कितना परसेंट, 55, 550 स्टूडेंट जो ये 55% के बराबर है, ठीक है। तो 100% के बराबर कितना, वही ना पूछ रहा है, परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या, कुल संख्या मतलब कितना, 100% स्टूडेंट, तो 100 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 550 इंटू
55% अगर 550 है तो 100% क्या होगा, 55% बराबर 550 तो 100% बराबर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ज्यादा वाला वैल्यू ऊपर, कम वाला नीचे, इसको जब कट करेंगे तो 10, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 1000। करेक्ट आंसर हमारा जो 28 का है ये डी हो जाएगा। 120 जो है 90 का कितना परसेंट है, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे 120 90 का कितना परसेंट है, तो 120 डिवाइडेड बाय 90, 90 120 का कितना परसेंट है ये नहीं पूछ रहा है, 120 जो है ये 90 का कितना परसेंट है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा ये हो जाएगा 4/3, सॉल्व करने के बाद आएगा ये 29 का ये नंबर। 1/4% मतलब कितना, 1/4% 1/4 कहने का मतलब कितना परसेंट, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साधारण ब्याज का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, 625 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 625 रुपये का 5% की रेट से 2 वर्ष का हम लोग को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करने जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 625 का ये आ जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है 33। इसमें बोल रहा है राघव जो है, ये मनीष जो है राघव से, मनीष जो है ये राघव से 35 रुपया साधारण ब्याज पर लेता है, वो 4 वर्ष के बाद 4200 वापस करता है, तो ब्याज का रकम कितना। तो ब्याज हम लोग को पता है जो टोटल पेड किया उसमें से मूलधन घटा देना है, डिफरेंस आ जाएगा हमारा यहाँ पे 700। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34, इसमें बोल रहा है कितना समय में 1250 रुपये जो मूलधन है, प्रिंसिपल जो हमारा 1250 रुपये पर 6% की रेट से अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो ब्याज हमारा 300 रुपये हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग को पता है, इंटरेस्ट भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है, रेट भी पता है, निकालना क्या है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 सॉरी डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने से जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 34 नंबर का ये आएगा बी, 4 ईयर्स। 35 में पूछ रहा है कितना प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को यहाँ पे निकालना है, क्वेश्चन लैंग्वेज इसका वही सा, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 7500 रुपया का मिश्रधन 5 वर्ष में 10500 हो जाएगा, ये चीज पूछ रहा है। तो इसको इस तरह से समझना, ये इनडायरेक्टली बोल क्या रहा है, हमारा 7500 का मिश्रधन 10500 हो जाए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना, 10500 माइनस 7500 तो ये हमारा आएगा 3000, 3000 का इंटरेस्ट हम लोग को चाहिए। टाइम हमारे पास कितना है 5 ईयर्स का, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना है 7500 का, बचा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7500। इस तरह से हम लोग को इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद जो इसका करेक्ट आंसर आएगा ये हो जाएगा 8%। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ये वाला है डी नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितने मूलधन का मिश्रधन जो है 1210 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कितना मूलधन, मतलब प्रिंसिपल हम लोग को पता होना चाहिए किस कंसेप्ट से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, साधारण ब्याज नहीं। यहाँ पे ये चीज समझना, साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हमारा होता है अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1+R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। अगर अमाउंट निकालना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो ये निकालना, इंटरेस्ट निकालना रहेगा तो ये फॉर्मूला, और अमाउंट निकालना रहा, मिश्रधन निकालना रहा तो ये फॉर्मूला। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिश्रधन हमारा दिया हुआ है 1250 इक्वल टू पी, इंटरेस्ट हमारा था 10%, तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एन हमारा यहाँ पे था 2, पी इक्वल टू व्हाट, इसी चीज को सॉल्व करना है, मतलब ये हमारा इस तरह से हो जाएगा 1250 इक्वल टू पी 1.1 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी ये 1210 है,
सॉल्व करने के बाद यहाँ वैल्यू जो आएगा ये आएगा 1037 का बी 38। समझना ये क्या बोल रहा है, एक व्यापारी 3000 रुपया वार्षिक ब्याज 8% की दर से उधार लिया, 3000 रुपया ले लिया 8% के रेट से, और उसको 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर वो इन्वेस्ट कर देता है, तो 2 वर्ष में उसका कितना फायदा हो जाएगा। अब उसको फायदा कितना होगा, जितना इंटरेस्ट अर्न किया उसमें से जो पेड कर दिया, लेस घटा घटा देंगे, जो इनकम हमारा क्या हुआ, जो हम इन्वेस्ट किया, जो चक्रवृद्धि ब्याज पे इन्वेस्ट किया हमारा इनकम हो गया, और एक्सपेंस हमारा क्या हुआ, जो हमको पेड करना पड़ेगा इंटरेस्ट वो, ठीक है, दोनों को डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको पेड कितना करना पड़ेगा, 3000 लिया है लोन पे इंटरेस्ट पे 8% का रेट से 2 साल के लिए, तो हम लोग जब इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 38 24, ये 480 रुपये, 480 रुपये इसको पेड करना पड़ेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और इसको मिलेगा कितना इंटरेस्ट, तो मिलेगा कैसे निकालेंगे, ये 3000, ये यहाँ पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाला वही फॉर्मूला लगा लेंगे ऊपर वाला, 3000 इंटू 1 प्लस कितने परसेंट पे इन्वेस्ट किया, तो 10% पे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, इन्वेस्ट वो कर रहा है 10% पे, लेकिन लिया था कितने पे, 8% पे लिया था, 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, और इन्वेस्ट कर रहा है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा ये आएगा 630, ये वैल्यू 630 आएगा, मतलब 630 रुपया का इंटरेस्ट उसको मिलेगा। पेड कितना करना है, 480, फायदा कितने का हो गया, 150 का, 150 रुपये का, 38 का हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 150 हो जाएगा। 39 भी वही फॉर्मूला पे इसको बिठाना है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला है क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा 39 का ये आएगा डी, ठीक है, वही जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है उसमें लगा देंगे, 401 प्लस 5% है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, 2 वर्ष माइनस 1, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे वैल्यू जो आएगा ये आएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसमें बोल रहा है, अगर किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धन पर कुछ हमारा अमाउंट है जिसपे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर 11 रुपये, तो धनराशि क्या है। फिर से समझना, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास कुछ पैसा है, इसको 10% के रेट पे हम 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, और दोनों से जो हमारा इंटरेस्ट मिलता है उसमें 11 रुपये का डिफरेंस है, तो हमारा अमाउंट कितना क्या था जिसको हम इन्वेस्ट किए थे। समझ में आ रहा है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो हमको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ना, सिंपल इंटरेस्ट में कम मिलता है, तो दोनों का डिफरेंस कुछ अमाउंट है हमारे पास, मान लेते हैं 10000 रुपये, 10% रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किए और 10000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पे भी, तो दोनों का जो डिफरेंस है ना वो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अमाउंट नहीं बोला है 10000 ये कितना है, ये बोला है कुछ अमाउंट है जिसको 10% के रेट पे सिंपल इंटरेस्ट में भी इन्वेस्ट किए और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, और इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 11 रुपये, तो ओरिजिनल जो हमारा राशि है धन राशि वो क्या है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ना, हम लोग मान लेंगे कि हमारा जो अमाउंट है, अगर हमारा अमाउंट लेट बी, अगर प्रिंसिपल हमारा 100 रुपये होता है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 साल का, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 × 10% × 2, ठीक है, यही तो होगा, तो 100 का 10% ये हमारा आ जाएगा 100 का 10% 10 × 2 = 20 रुपये, ठीक है। और अगर 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल रहा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता, 20 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता, तो ये कैसे निकालेंगे 100 × कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेंगे, 1 प्लस आर जो हमारा यहाँ पे है 0.1 × 2 - 1, ठीक है, इसको लगा इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा 21, ठीक है, मतलब डिफरेंस कितना 1 रुपया, 1 रुपया का डिफरेंस आ रहा है इंटरेस्ट में, कब, अगर प्रिंसिपल 100 रुपया है, तो प्रिंसिपल जब 100 रुपया तो डिफरेंस हमारा 1 रुपया, अगर डिफरेंस 11 रुपया तो प्रिंसिपल कितना, तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, 100 × 1 रुपया का डिफरेंस, तो प्रिंसिपल 100 था, जब 11 का डिफरेंस तो प्रिंसिपल तो ज़्यादा होगा, तो इस तरह से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा ये हो जाना चाहिए 1100 रुपये, 40 का बी,
ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 41। 41 में क्या था, 400 रुपये लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस 400 और उसका सेल प्राइस 520, तो लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ का अमाउंट 120 रुपये, लाभ का प्रतिशत कैसे निकलेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट हमारा 120, कॉस्ट प्राइस 400 इंटू 100, सॉल्व करने पे आएगा 30%, सी नंबर हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर। 42 हम लोग अभी बाद में सॉल्व करेंगे, पहले 43 सॉल्व करते हैं। 43 बोल रहा है किसी वस्तु को 20% हानि में बेचते हैं तो 60 रुपये में बेचा गया, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये हम लोग से यहाँ पे पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन को भी ना हम लोग उसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट, इधर लिखते हैं ये हमारा कितना परसेंट है, 20% का लॉस हुआ तो 60 रुपया में बेचे, मतलब 60 रुपया जो हमारा ये कितना परसेंट होगा, 80% होगा, 20% लॉस, इसका मतलब क्या, जो हमारा सेल प्राइस है ये 80% होगा किसका, कॉस्ट का, हम लोग को निकालना क्या, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना परसेंट, मतलब 100% इक्वल टू वाट, तो 60 × 80% हमारा अगर है 60 रुपये, तो 100% क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इस तरह से जब हम लोग सॉल्व करेंगे 3, 4, 25, 75 ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व किया, देखो समझना, 60 रुपये जो हमारा ना है ना ये 80% है किसका, कॉस्ट का, ठीक है। अकाउंट्स में और मैथ में थोड़ा डिफरेंस होता है ये प्रॉफिट का परसेंटेज और लॉस का परसेंटेज निकालने में। मैथ में जब भी हम लोग प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज निकालते हैं तो जब हम लोग कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, जब तक क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तब तक हम लोग कॉस्ट प्राइस का ही, कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस और प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 60 रुपया जो है ना ये 80% हो जाएगा, क्योंकि 20% किसका, कॉस्ट प्राइस का 20%, तो 60 रुपया जो अब कॉस्ट प्राइस का 80% बचा, ठीक है, तो 80% ये 60 रुपया जो 80%, तो 100% हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, 100% कितना, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 75। इसमें से कौन सा सही है, तो ये हमारा सही है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। एक वस्तु को 300 रुपये की सूची पर 10% व्यापारिक बट्टे पर बेचा गया, 300 का उसका प्राइस था, 10% उसमें डिस्काउंट दिए, इसका मतलब उसको इनवॉइस प्राइस कितना होगा, तो उसका होगा 270, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जो हमारा 47 अभी छोड़ रहे हैं, 48 सॉल्व करना है, पहले जो जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसको छोड़ रहे हैं, बाद में सॉल्व, अभी तुरंत सॉल्व कर लेंगे ये सब सॉल्व करने के बाद। 7500 मूल्य है टेलीविजन का, पहले 20% डिस्काउंट मिला, ठीक है, तो सबसे पहले 20% लेस करेंगे, 7500 का 20% हमारा हो जाएगा 1500 रुपये, ठीक है, ये आ गया 6000। फिर इसमें बोल रहा है इसमें 15% लेस करने, 15% मतलब 900, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 5100। ये क्वेश्चन लास्ट मॉडल सेट में भी हम लोग सॉल्व किए थे। 48 का बोल रहा है 225 का 4% कितना, तो 225 का 4% ये हो जाएगा, और 2640 का 12.5% कितना होगा, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 330 रुपये। तो ये सारा इधर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का छुटा है 47 में बोल रहा है 10% वाले क्रमानुसार बट्टे का समकक्ष एक साधारण बट्टा बताइए, मतलब ये बोल रहा है कि किसी गुड्स पे हम 10% का डिस्काउंट दिए, फिर 10% दिए और फिर 10% दिए, तो इसके बदले कोई एक परसेंटेज बताओ जितना हम डायरेक्ट लेस करें, तो वही हमारा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई गुड्स 100 रुपये का, तो इसमें 10% हम डिस्काउंट दिए तो कितना, 10 रुपये, ठीक है, 10% पहले लेस करेंगे तो ये हो गया, अब 90 बचा, फिर इसमें बोल रहा है 10% लेस करो, तो इसमें 10% लेस करेंगे कितना, 9, ठीक है, फिर आया 81, अब बोल रहा है फिर 10% लेस करते हैं। इस तरह से तीन बार हम उसमें डिस्काउंट देते जाते हैं कंटिन्यूसली, ये मतलब 8.1, तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा इसको जब हम लोग लेस करेंगे तो 0.9, और यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा 7, 2, 9, 10, 8, 10, 9, 10 के 0, 8, कुछ यहाँ गलत कर रहे हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया
₹100 का गुड्स को हम ₹72.90 में बेच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम एक ही बार ₹100 में डिस्काउंट कितना दे देते हैं, 27.3% का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी 27.1% का डायरेक्टली डिस्काउंट देते हैं ₹100 में, तो इसके इक्विवेलेंट हो जाता है, मतलब तीन जो हम डिस्काउंट दें 10-10% का तीन बार, उसके इक्विवेलेंट हम 27.1% का डायरेक्ट सिंगल डिस्काउंट दे सकते थे। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो बचा क्वेश्चन, ये बच गया क्वेश्चन नंबर 42, इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। 42 में क्या बोल रहा है ये पहले एक बार पढ़ते हैं। 42 में बोल रहा है 120 संतरा बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 संतरा के मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब वो बेच कितना रहा है, 120 ऑरेंज, और उससे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना 20 ऑरेंज का प्राइस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसका पूछ रहा है लाभ प्रतिशत निकालने, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं सेल प्राइस जो हमारा होगा ना, ये ₹100 पर यूनिट है, मतलब एक ऑरेंज का कितना सेल प्राइस, ₹100, ठीक है। तो टोटल 120 का जो हम 120 यूनिट का अगर हम सेल प्राइस का बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 120x, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट कितना इसमें हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, ये बोल रहा है 20 संतरा के मूल्य के बराबर, 20 संतरा का मूल्य प्राइस, 20 संतरा का प्राइस कितना हो जाएगा, एक पर एक का x, तो 20 का 20x, ठीक है। मतलब हम ₹120 जब सेल प्राइस हमारा है 120x, तो प्रॉफिट कितना 20x, इसका मतलब कॉस्ट कितना 100x, ठीक है। 100x हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। अब हम प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 20x डिवाइडेड बाय 100x इनटू 100, एक्स कट गया, ये हमारा आ जाएगा अल्टीमेटली 20%। यहाँ पे बोला था 20 संतरा का मूल्य मतलब सेल प्राइस हम लोग को लेना है, मूल्य अगर जब बोल रहा है ना प्राइस, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे सेल प्राइस। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आज का पूरा क्वेश्चन था जिसको हम लोग सॉल्व किए। बहुत सारा इसमें कंसेप्ट था, बहुत सारा ट्रिक था इस क्वेश्चन पेपर में, जो हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं, जो कि हमारा 11th का एग्जाम के लिए है ही इम्पोर्टेंट। इसके अलावा आगे भी ये सारा कंसेप्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यही कुछ था आज के इस वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।